सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? कि तुम्हारी भूतिया गर्लफ्रेंड एक फैंटेसी है। आप सच में आ गए, आप सच में आ गए। स्त्री पावर के चलते श्रद्धा ने छोड़ा मोदी जी को भी पीछे, साथ ही बॉक्स ऑफिस पे छोड़ा ब्रह्मास्त्र पे ब्रह्मास्त्र, और अब करेगी कल्कि का भी शिकार। अब दोस्तों, जहां 15 अगस्त को हम एक तरफ इंडिपेंडेंस डे की जलेबी खा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर स्त्री टू के मेकर्स के पास जलेबी क्या पानी पीने तक का टाइम नहीं था, क्योंकि इनकी स्त्री फटाफट कमा रही थी और ये लोग वो पैसे गिनने में बिजी थे। पर अब जाकर ये लोग आराम से पार्टी तो कर सकते हैं, क्योंकि स्त्री ने रिलीज के बाद छठे दिन मंगलवार 20 अगस्त को 25 करोड़ की कमाई कर ली और सातवें दिन ये कमाई जारी ही है। पर 6 दिनों में इस फिल्म ने 254 प्लस करोड़ अपने पॉकेट में डाल दिए हैं और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 350 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। क्या कहा वेदा और खेल खेल में का क्या हुआ? अरे उनका क्या होना है, 6 दिनों में वेदा 13 करोड़ और खेल खेल में बस 17 करोड़ पर ही है। खैर, पर अभी इन्हें छोड़ो और स्त्री टू को पकड़ो, जो कि अपनी कॉमेडी से हसात हो रही है, पर वहीं वो कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और उनकी फिल्मों को अपने कलेक्शन से डरा रही है और आईना भी दिखा रही है। जैसे इस साल 25 जनवरी को रिलीज हुई बॉलीवुड की पहली फिल्म ऋतिक रोशन की फाइटर, जिसे 250 करोड़ क्रॉस करने में 36 डेज लगे, जहां स्त्री ने एक कमाल सिर्फ 6 दिनों में कर डाला। और वर्ल्ड वाइड भी अगर आप देखोगे तो फाइटर 337 करोड़ की कमाई कर पाई, मतलब इस मामले में भी स्त्री टू से वो पीछे है। वहीं इस फिल्म ने रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र पर भी अच्छा खासा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। जैसे ब्रह्मास्त्र ने जहां 50 दिनों के बाद इंडिया में 267 करोड़ कमाए, तो ऐसे में स्त्री इंडिया में ब्रह्मास्त्र को बीट करने का काम 10 दिनों के अंदर ही पूरा करने वाली है। मतलब 267 करोड़ के लिए स्त्री को 50 दिन नहीं लगेंगे और उसने ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र का लगभग सारा अमाउंट अभी बीट कर दिया है सिर्फ 6 दिनों में। वैसे स्त्री यहां तक रुकेगी नहीं, बल्कि अब वो कल्कि को भी पछाड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि साल रिलीज हुई कल्कि 2898 ने हिंदी वर्जन में 295 करोड़ का कलेक्शन किया था और स्त्री 2 के नंबर तोड़ने पर अब बहुत ज्यादा विश्वास रख रही है। वैसे नंबर्स की वजह से स्त्री की स्त्री यानी श्रद्धा कपूर ने रणबीर कपूर और ऋतिक दोनों की अपनी चोटी से अच्छी खासी करंट पकड़ा दिया है और जल्द ही वो प्रभास को भी दे देंगी ये शौक। पर ये जो नारी पावर है वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ही नहीं दिख रहा, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दिख रहा है। दरअसल स्त्री 2 के सक्सेस के बाद श्रद्धा कपूर का क्रेज है अलग लेवल का जा चुका है। ऐसे में इन्होंने अब एक रिकॉर्ड बनाकर हमारे देश की शान को एक कदम पीछे धकेल दिया और वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। दरअसल जहां नरेंद्र मोदी जी के इंस्टाग्राम पर 91.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं अब श्रद्धा के 91.4 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके, जो कि पहले उनसे पीछे थी। और इसी तरह से अब श्रद्धा बन गई है थर्ड मोस्ट फॉलोड इंडियन सेलिब्रिटी, क्योंकि उससे पहले इसमें विराट कोहली और प्रियंका चोपड़ा का नंबर आता है। तो देखा किस तरह श्रद्धा कैसे भारी पड़ रही है सब पे, और ये तो बस शुरुआत है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, और वो असली पिक्चर मतलब 1000 करोड़। वेल, आप कितना एक्साइटेड है स्त्री 2 के कलेक्शन के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियो। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288500 88.